1958 में अमेरिका की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने एक न्यूक्लियर पावर्ड कार को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको उन्होंने न्यूक्लियॉन का नाम दिया। फोर्ड कंपनी ने न्यूक्लियॉन को एटम से चलने वाली मुस्तकबिल की गाड़ी के तौर पर पेश किया। इस नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी का इनसार इस बात पर है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर रिएक्टर और इसके ढांचे का वजन कम होगा, क्योंकि तभी हम एक न्यूक्लियर कार को चलाने का ख्वाब देख सकते हैं। इस गाड़ी का मॉडल एक रिएक्टर पर मुनहसिर है, जिसे पावर कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव कोड है। गाड़ी का ड्राइवर फासले और गाड़ी के परफॉर्मेंस के मुताबिक कोड को चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर गाड़ी दो फ्यूल स्टेशन के दरमियान 5,000 मील का सफर तय कर सकेगी। चार्जिंग खत्म होने पर गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन ले जाना पड़ेगा। ये ख्याल किया जा रहा है कि न्यूक्लियर गाड़ी के लिए चार्जिंग स्टेशन मौजूद गैस स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन की तरह आम लोगों के लिए होंगे। गाड़ी का डिजाइन कुछ यूं है कि इसकी लंबाई 203.3 इंच है, इसकी चौड़ाई 77.4 इंच और इसकी ऊंचाई 41.4 इंच है। न्यूक्लियर गाड़ी एक न्यूक्लियर सबमरीन के कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। द नेक्स्ट वेब के मुताबिक गाड़ी का न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम के पैलेट्स को फियन करेगा, यानी तोड़ेगा, जिसकी वजह से हीट पैदा होगी और ये पानी को गर्म करके स्टीम की प्रोडक्शन करेगा। स्टीम से पैदा होने वाला प्रेशर से टर्बाइन हरकत में आएगी और इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पावर पैदा करेगी। यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े बड़ी मकदार में एनर्जी पैदा करने में काफी एफिशिएंट है और इससे किसी भी किस्म के शुआओं का इखराज नहीं होगा। बस गाड़ी सिर्फ रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा करेगी, जिसको बासानी गाड़ी के रिएक्टर से निकाल लिया जाएगा। फोर्ड इस गाड़ी को अपनी मिड सेंचुरी कॉन्सेप्ट कार के तौर पर देख रहा है और फ्यूचर में आने वाली गाड़ियों में इस डिजाइन को मुतारिफ करवाने के लिए पूरी उम्मीद है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूक्लियर गाड़ी का सिर्फ एक ही चैलेंज है और वो ये है कि इसके रेडियोएक्टिव कोर से निकलने वाली एनर्जी को मैनेज करना है, और इसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी को किस तरह कन्वर्ट किया जाए। न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल एनर्जी पैदा करता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बाद में फिर मैकेनिकल फोर्स में तब्दील करना एक बड़ा चैलेंज है। इतनी ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन से इनएफिशिएंसीज में इजाफा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।